हेलो भाई डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको मेहंदी कैसे बनाते हैं उसको बताऊंगी। आज की डेट में वाइट बाल तो ऑलमोस्ट सबके ही हो रहे हैं और मेहंदी हर कोई लगाता है, लेकिन मेहंदी के लाल रंग से सब परेशान हैं। तो आज मैं एक मेहंदी ऐसी आपको बनाने सिखाऊंगी कि जिससे आपके लाल बाल जो मेहंदी का कलर होता है वो नहीं आएगा। इसमें क्या क्या सामान चाहिए मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए आंवले का पाउडर जिसे मैंने भून के रख लिया था, और चाहिए शिकाकाई, और इसमें चाहिए त्रिफला पाउडर, और इसमें चाहिए मेथी जो है मैंने इसे भून कर पीस कर रख लिया है, जो आप घर पे यूज़ करते हो, कलौंजी को जिसको मैंने पीस कर रख लिया है। इसको बनाने हैं कैसे पाउडर, इसमें हम 3-4 लौंग डाल देंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। चना पिसा हुआ है उसको डालेंगे, 2 चम्मच डालेंगे इसको। एक गिलास जितना हम इसके पानी डालेंगे, अब इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये आधा गिलास ना रह जाए। अभी हमने इसमें मेहंदी नहीं डाली है, अब इसको हम पकाएंगे। बाकी जो इसके अंदर सब कुछ हमने डाला है वो नीचे ना बैठे। गाढ़ा हो गया तो हम गैस बंद कर देंगे। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा जब हो जाएगा तभी हम इसमें मेहंदी बनाएंगे, नहीं तो मेहंदी में लम्स आ जाएंगे, गुठलियाँ बन जाएंगी मेहंदी की। तो अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। इसको मैं आपको बताना भूली गई, इसके अंदर हम मेहंदी का रंग ना आए जो पीला पीला आता है, उसके लिए हम एक इसमें अलग से एक चीज़ डालेंगे और वो है हल्दी। इसके गुनगुने पानी में ही हम हल्दी डाल देंगे 1/2 चम्मच जितनी, और इसको अच्छे से एक उबाला ले आएंगे और इसको ठंडा होने देंगे। और फिर इसके बाद जितनी हमारे सिर में मेहंदी चाहिए बालों के हिसाब से उतनी मेहंदी हम इसमें डाल के घोल लेंगे और इसको पूरी रात के लिए छोड़ देंगे। अभी मेरा पानी देखो ठंडा हो गया है। अब हम इसके अंदर मिलाएंगे मेहंदी, जितनी आपके बालों में लगे उस हिसाब से आप डाल दीजिए इसमें और अच्छे से मिला लो। अभी तक मैंने अच्छे से मिला लिया, ये थोड़ा सा पतला ही रखना क्योंकि रात को भर इसी काली कढ़ाई में हमें भिगो के रखना है, और इसमें एक्स्ट्रा पानी कोई भी नहीं डलेगा। जो पानी है हमने जिससे पकाया है उसके अलावा हम इसमें थोड़ा पानी नहीं डालेंगे, इसलिए बनाते वक्त आप उसी हिसाब से पानी रखिए जितना आपके सिर में मेहंदी लगेगा। जिसे हम रात भर इसी काली कढ़ाई में भीगे रहेंगे। देखिए हमारे मेहंदी का कलर कितना अच्छा आया, काली कढ़ाई ने भी वह कलर छोड़ दिया। अब मैं इसको अपने बालों पे आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी। इसमें एक लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे ऑयल, जिससे ये हमारे बालों में जो मेहंदी लगाने के बाद खुश्की रूखापन सा आ जाता है वो नहीं आता। ये तेल मैंने घर पे बनाया हुआ है, इसकी रेमेडी मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें तेल जो है 1 चम्मच जितना आप तेल ऐड कर लीजिए। और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसके बाद इसको बालों पे अप्लाई कर लीजिए। देखिए मेरे बालों का कलर, ये पहले है बालों का कलर, अब मैं आपको मेहंदी लगाने के बाद दिखाऊंगी। देखिए कैसा है, अब ये देखिए बालों में इसको अप्लाई करना शुरू करेंगे मेहंदी को। मैंने पूरे बालों में अच्छे से इसको अप्लाई कर दिया,
अब देख सकते हैं बाल का कोई भी कोना मैंने छोड़ा नहीं है, बहुत अच्छे से सारे बालों में अप्लाई कर दिए। अब इसको 2 घंटे के लिए आप बालों पे लगे रहने दीजिए, उसके बाद खाली पानी से आप बाल धो लीजिए। इसमें ये बात का ध्यान रखना है आपने, इसमें शैम्पू से आपने बाल नहीं धोने हैं, ये धोने के बाद आप तेल लगा लीजिए और अगले दिन बाल धोइएगा, तभी इसका इफेक्ट अच्छा आएगा। अभी देखिए मेहंदी मेरी बिल्कुल अच्छे से सूख गई है बिल्कुल, अब इसको मैं धो लूँगी साफ पानी सादे पानी से। मेरे बालों का कलर मेहंदी लगाने से पहले भी मैंने आपको दिखाया था और अभी मेहंदी लगाने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने मेहंदी से जो भी इफेक्ट आया है वो आपको मैंने दिखाया है, तो प्लीज़ आप इसे इस रेमेडी को ज़रूर तैयार ट्राई कीजिएगा, और जो भी इसका इफ़ेक्ट होगा चाहे वो आपको अच्छा लगे चाहे आपको नहीं इफ़ेक्ट उसका नहीं पसंद आया, जो भी है वो आप मुझे अपने मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिएगा। ओके बाय।